इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। राइट जी, तो ये है अपने पास कैमलर, तो अभी चलते लेके इसको। इसका तो भाई साहब सीटिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है। आहा, कितना स्मूथ गियरिंग हुआ है इसका। और राइट, तो भाई साहब ये स्क्रैम्बलर है ना, मतलब एकदम बढ़िया सा लग रहा है यार, ऐसा चलाते ही एकदम अच्छी सी फीलिंग आ रही है। और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना बढ़िया सा क्रैश गार्ड दिया हुआ है। बात कर ले इसके हैंडल की, तो हैंडल का क्वालिटी आप देख रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, मतलब प्रीमियम फील आ रहा है ये बाइक चलाने में। यहाँ पे आप देख सकते हो पास लाइट मिल जाता है और यहाँ पे बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के लिए मिल जाता है। हॉर्न काफ़ी डिसेंट सा है, मतलब कि काफ़ी बढ़िया सा हॉर्न है। और ये हैजार्ड लाइट के लिए है कि मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही लाइट चालू हो चुका है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे साइड में रुकाता हूँ और थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दिखा देता हूँ इस बाइक का। और राइट, तो ये जगह काफ़ी सेफ है, तो यहाँ पर अच्छे से पहले स्टैंड को लगा देते हैं। और राइट जी, तो ये रही स्क्रैम्बलर आपके सामने। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो एकदम प्यारा सा डिसेंट इनफ आपको यहाँ पे हेडलाइट मिल जाता है और इंडिकेटर भी बहुत प्यारा है। और यहाँ पे कंपनी का ऑलरेडी देख रहे हो कि मतलब रेडिएटर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली हर कोई कंपनी नहीं देती, बट ये दे रही है, तो इससे आपके रेडिएटर को प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मली ये इंजन है जिसको आपको ड्यूअल साइलेंसर मिल जाता है। सीट काफ़ी छोटी है, टेल लाइट भी अच्छा है, सीट की क्वालिटी बढ़िया है। यहाँ पे अच्छा खासा आपको स्क्रैम्बलर लिखा हुआ लोगो भी मिल जाता है और यहाँ पे SD का ब्रांडिंग किया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया। तो थोड़ा इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, और अगर बात कर ले इसके स्पीडोमीटर की, तो यहाँ पे स्पीडोमीटर में आपको यहाँ पे आपको स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप का मिल जाता है, गियर कौन से गियर में गाड़ी चल रही है वो यहाँ पे साइड स्टैंड लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। और मैं इसको ऊपर करते ही यहाँ से ये हट गया साइड स्टैंड। तो ये काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है, मतलब ये बाइक, और काफ़ी छोटी बाइक लग रही है ये, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। और ज़रा इसके पिकअप का टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ओ भाई साहब, पावर कमाल है, मतलब कि ये चीज़ ऐसा फील हो रहा है कि भाई गाड़ी में पावर है। तो ये गाड़ी टर्न के लिए भी बहुत बढ़िया है, जैसे देख रहे हो मैंने इतनी आसानी से ये गाड़ी को मोड़ लिया। और आपको बता दूं कि ये गाड़ी का जो इंजन है वो 334 CC का इंजन है, जो कि 29.7 समथिंग का कुछ BHP पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि वेल इनफ है। जैसे आप देख सकते हो कि मतलब ओ भाई साहब 60 तो ऐसे ही टच कर दिया इसने, मतलब थोड़े से रेस देने पर, और ज़रा भी लैग नहीं है। तो भाई मुझे तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मतलब कि शॉर्ट एंड सिंपल सा बढ़िया सा गाड़ी है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि मतलब ये बाइक में जो है पावर की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये बाइक में मुझे बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये लग रहा है कि हो सकता है, चांसेस है कि इसका जो पीछे का सीट है वो काफ़ी छोटा है, मतलब कि इसे तो है डबल सीट बाइक, बट बैठने में स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बाकी ये मेरा ओवरव्यू है, बाकी आप क्या बोल रहे हो ये कमेंट करके मुझे बताओ। और उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा। सो वीडियो पसंद आया यार तो वीडियो को कर दो लाइक, बाकी चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। तो फिर तब तक के लिए चलते हैं, राम राम, बाय बाय।